नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 5th of September 2024 के बारे में। 5 सितंबर 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफर्मेशन, कैसे आप आज के इस दिन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन में क्या कुछ बहुत ज़्यादा खास है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, या हम सोचने समझने की क्षमता को खो बैठते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आज का दिन आप सभी को अपने आप को इन्फ्लुएंस होने से बचाना है, अपने आप को किसी भी तरह की गतिविधि में उलझने से बचाना है। खासकर कोई व्यक्ति आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना कर रहा हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और आजकल फ़ोन कॉल फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं और आप सभी को किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी जाती है या किसी तरह से आपको डराया जाता है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ताकि आप इन चक्रों में ना उलझें, किसी तरह की गलत परिस्थिति में ना आए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आज के दिन में कोई व्यक्ति अगर आपको किसी पेपर पर सिग्नेचर करवा रहा है तो आप सभी थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही किसी तरह का सिग्नेचर करिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पेपर को अच्छे से रीड करिएगा, किसी भी ब्लैंक पेपर पे आज अपने सिग्नेचर करने से बचिएगा, नहीं तो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन में अगर आप सभी के आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर आपकी इनर फीलिंग, अंदर की जो वाइब्स होती हैं हमारी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत वहाँ पर हट जाना है। आज अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए, अपनी सोल को फॉलो करिए, अपने बॉडी के एनर्जी को फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेने का प्रयास करिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज अगर आपको सही और गलत की पहचान नहीं हुई या फिर आपने अपनी एनर्जी को फॉलो नहीं किया तो भी आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज कोई भी काम करें मन में खुशी लेकर के करिएगा, ना कि मन में भय लेकर के करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए थोड़ा सा मेहनत और उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट वाला साल रहेगा। आने वाले साल में किसी भी तरह की अगर आप सभी को आप कह सकते हैं कि कोशिश अगर आप कर रहे हैं लंबे समय से, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो किसी भी तरह की कोशिश करने पर सफलता मिल सकती है, इस तरह के योग बनते हैं। रिसर्च सेंटर और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ आने वाले साल में आप सभी मेडिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपको अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करूँगा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी का आने वाला साल अच्छा जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी ना देखने को मिले। आज के दिन में कौन सी राशि, नंबर और अल्फाबेट के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। राशियों में यहाँ पर बात करें तो आज का जो दिन रहेगा ये मिथुन राशि के लिए, तुला राशि के लिए, धनु राशि के लिए और मीन राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन दिखाई देता है। नंबर्स में बात करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8 के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अल्फाबेट्स में देखा जाए तो अल्फाबेट्स में सी, डी, एच, एम, एन, पी और एस, आप सभी को आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आज का महत्वपूर्ण एंजल नंबर 831133, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है और आज के दिन में जब भी आपको मौका मिले, कभी भी खाली बैठे हों, इस नंबर को ज़रूर रिकॉल करिएगा। 3 से 4 बार इस नंबर को आज दिन में देखने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में अफर्मेशन भी कुछ इसी तरह का है। आज का अफर्मेशन जो आपको सक्सेस देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है और आपके वो सारी चीज़ें जो आपसे दूर है उसे पास लाने में आपकी मदद करता है। नोट कर लीजिएगा प्लीज़ आज का अफर्मेशन, अट्रैक्टिंग मनी, सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ कम ईजी टू मी, ये आपको बोलना है। अट्रैक्टिंग मनी और उसके बाद जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं,
कम इजीली टू मी, ये आपको बोलना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो भी अट्रैक्ट करेंगे वो आपके पास बड़े आराम से इजीली पहुंचेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। वैदिक रेमेडीज में आपको क्या क्या करना है, आज के दिन में आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। इस मंत्र का जितना जाप करें इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आज के दिन में सुबह जल्दी उठ करके पानी से स्नान करके पीले कलर के वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना करिएगा और हल्दी का टीका अपने माथे पर आज के दिन में ज़रूर लगा दीजिएगा, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक विशेष उपाय मैं आपको और बता देता हूँ, ये फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस करेगा और रिश्तों में भी मजबूती लेके आएगा। तो इसीलिए कौन सा उपाय करना है ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आप सभी को रिश्तों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आप सभी क्या करिएगा, हल्दी और चंदन और थोड़ा सा उसमें केसर मिला दीजिएगा और उसका एक टीका लगाई बना दीजिएगा और ये टीका आप सभी कच्चा दूध रॉ मिल्क होगा उससे बनाइएगा। इसका एक बूंद रॉ मिल्क लीजिएगा, चुटकी भर हल्दी चंदन और केसर। अगर चंदन ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, हल्दी और केसर आप यूज़ कर सकते हैं और इसका टीका बना करके पार्टनर्स एक दूसरे को अगर लगा दें आज के दिन में तो दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यही गोल यही टीका आपको लेना है और यही टीका आपको अपने वर्क प्लेस पर भी लगाना है या अपनी इंपॉर्टेंट फाइल होगी, कोई इंपॉर्टेंट पेन होगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने आसपास हमेशा रखते हैं उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा। ये आपके लिए खासकर बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाला समय रहेगा। बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चे एजुकेशन में हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही उपाय आज बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। आप भी इसी टीके का इस्तेमाल करिए, अपने माथे पर ज़रूर लगाइए, अपने जहाँ पर भी आपका स्टडी टेबल होगा वहाँ पर इस टीके से आप चाहें तो छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में अगर आप सभी किसी तरह का इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो येलो कलर अपने आसपास ज़रूर रखिएगा। येलो कलर का एनवायरनमेंट, येलो कलर के कपड़े या येलो कलर की कोई भी चीज़ आज अपने आंखों के सामने ज़रूर रखिएगा, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल्डन विश टाइम की यहाँ पर बात करें तो आज 12:15 से लेकर के 1:15 दोपहर का समय आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। इस समय के दौरान कोई भी ज़रूरी चीज़ करें आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे एंड कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ओवरऑल दिन बहुत अच्छा है, दिन की एनर्जी बहुत अच्छी है और आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इस दिन को और अच्छा बनाने में हर सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी दिन को अच्छा निकालें और अपने परिवार के साथ समय ज़रूर बिताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।